सेंटेंस अरेंजमेंट का ये दूसरा पार्ट है, बैंकिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा आप सभी के लिए, खासकर SBI PO या IBPS PO, चाहे वो प्री हो या मेन के एग्जामिनेशन हो, चाहे RRB PO के मेंस हो या IBPS RRB क्लर्क के मेंस हो, सबके लिए बहुत बेनिफिशियल सेशन है ये। देखिए मैं कह रहा था, फर्स्ट ऑफ ऑल पांच या छह जो भी सेंटेंस दिए गए, यहाँ छह दिए गए हैं, वीडियो के पार्ट वन में मैंने पांच सेंटेंस दिया, यहाँ छह दिया, मैंने कभी सात आठ भी मिलेंगे, नौ तक एग्जाम्स में आते हैं, बट प्री में फाइव सिक्स में, इतने में सेंटेंस जो है वो रिवॉल्व करता रहेगा आपका, ठीक है। तो मैं ये कह रहा था कि एक बार टॉपिक्स को पढ़ लीजिए आप, क्लियर कर लीजिए कि टॉपिक का थीम क्या है। टॉपिक के थीम को अगर आपने क्लियर कर लिया तो एक काम ये भी कर लीजिए कि कौन कौन सा आप ड्रॉप कर सकते हैं। आइए इस पूरे टॉपिक को पढ़ने के बाद, आप लोगों को ये बात चल चुका होगा पता कि पूरे टॉपिक का थीम है एग्रीकल्चर। तो मैंने अपने पहले वीडियो में भी कहा है आप लोगों को कि पहले एग्रीकल्चर का क्या होगा, इंट्रोडक्शन होगा, पहले इंट्रो होगा, इंट्रो के बारे में एक्स्ट्रा बातें भी बताई जाए, अगर बताई जा रही हैं तो दोनों को हम कनेक्ट कर देंगे। कि मैंने ये बात कहा है आपको, कभी भी कोई साइंटिस्ट अगर इंट्रो दे रहा है, पहला है, अगर कोई साइंटिस्ट पहला है और इंट्रो दे रहा है तो प्रायः ऐसा होता है कि दूसरा भी साइंटिस्ट ऐसा आएगा जो आपको एक्स्ट्रा इंट्रो देकर जाएगा। आप, मैंने पार्ट वन वीडियो में बात कहा, ये पार्ट टू में भी आप ये देख लीजिए ये बातें सही है या नहीं, ये फैक्ट चेक वाली बात है कि होगा ही होगा। तो टॉपिक में चल चुका है पता, टॉपिक का थीम एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चर पर बात हो रही है, हम ध्यान देंगे एग्रीकल्चर का इंट्रोडक्शन कहां पर हो रहा है, एग्रीकल्चर के बारे में मुख्य तौर पर कहां बताया जा रहा है। एक और बात, इस बात का ध्यान रखेंगे कि कौन कौन पहला नहीं हो सकता है, कंजंक्शन स्टार्ट से स्टार्ट हो, हाउएवर है, बट है, बिकाउज है, सो है, इन सब से स्टार्ट होने वाला सेंटेंस कभी भी पहला नहीं होगा। हाउएवर पहला नहीं होगा, ऑल्सो या टी डबल ओ टू या इवन, ऑल्सो या टी डबल ओ टू या इवन लगा रहे तो वो भी पहला नहीं होगा। राम भी जाता है तो कोई और भी जा रहा होगा, यानी कि पहला तो होगा नहीं, ये भी पहला नहीं होगा। अब देखिए बी, इट सप्लाईज या सप्लाई करता है फूड एंड रॉ मटेरियल्स, या करता है सप्लाई, कौन करता है हमें मालूम चला नहीं, यानी कि ये भी पहला नहीं होगा। अब देखिए आपके लिए काम आसान होने वाला है, छह में एक ढूंढना था आपको पहला कौन होगा, अब तीन में एक ढूंढना है पहला कौन होगा, तो ये चीज आसान है या नहीं आप इसको आइडेंटिफाई कर लीजिए। अब तीन में पहला ढूंढना है कि पहला कौन है, एक में ए में अकॉर्डिंगली द शेयर ऑफ एग्रीकल्चर इन द नेशनल प्रोडक्ट इनकम, अकॉर्डिंगली जो शेयर है एग्रीकल्चर का नेशनल प्रोडक्ट या नेशनल इनकम में वॉज एज हाई एज 56.6%। कहता है कि एग्रीकल्चर का जो शेयर है राष्ट्रीय आय में, नेशनल इनकम में, वॉज एज हाई हैज 56.6% इन 1950-51, 1950-51 में 56.6%, यानी 56.6% था, अकॉर्डिंगली, यानी कि डाटा के अनुसार कह रहा है ये, ये भी पहला नहीं होगा। ये बातें बताई ही नहीं गई कि चर्चा किस बात को लेकर हुई। अब आइए, अब बताइए टॉपिक का थीम कहाँ है, कहाँ इंट्रोडक्शन हो रहा है, ए में नहीं, सी में, एग्रीकल्चर इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी, एग्रीकल्चर इंडियन इकोनॉमी का मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्टर्स में से एक है, एग्रीकल्चर इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्टर्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्टर्स में से एक है, कौन, एग्रीकल्चर इंडियन इकोनॉमी का, या इंडियन एग्रीकल्चर जो है वन ऑफ इज है वन एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्टर्स, इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण क्षेत्रों में से एक है भारतीय अर्थव्यवस्था का। तो ये सी पहला या ए पहला, ये तो पहला होगा नहीं, और आप एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, आजादी के समय, मोर देन 70% ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन डिपेंडेड ऑन एग्रीकल्चर, 70% से अधिक आबादी डिपेंड करती थी एग्रीकल्चर पर टू अर्न अ लाइवलीहुड, रोजी रोटी आजीविका कमाने के लिए। तो यहां पर बताया गया कि 70% से अधिक आबादी डिपेंड करती थी कहां, एग्रीकल्चर पर आजादी के समय में,
तो क्या ये पहला होगा? नहीं, इंट्रोडक्शन तो पहले हो जाए। अगर एग्रीकल्चर के बारे में कहीं पर बताया जा रहा है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्टर है वो, तो यानी कि सी क्या होगा आपका पहला। अब ऐसा सेंटेंस 6 पढ़ चुके हैं, एक बात जाना है हम लोगों ने कि एग्रीकल्चर टॉपिक है। अब 6 में से ऐसा कौन सा है जो इसके बारे में एक्स्ट्रा बता रहा है, जो इसके बारे में एक्स्ट्रा बता रहा है, कौन है? इट सप्लाइज फूड एंड रॉ मटेरियल्स, यह सप्लाई करता है। यह एक और क्लू है जो आपको आसान कर देगा आइडेंटिफाई करना, यह सप्लाई करता है। कौन करता है सप्लाई? एग्रीकल्चर। इट का प्रयोग किसके लिए होगा? सिंगुलर नाउन के लिए क्या करते हैं? इट करते हैं हम लोग। एग्रीकल्चर क्या है? एग्रीकल्चर सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर नाउन होगा, इसके लिए क्या आएगा? इट आएगा। एग्रीकल्चर इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्टर्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्टर्स में से एक है। कौन? एग्रीकल्चर है। सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब क्या होगा? सॉरी, वर्ब सिंगुलर होगा, ये बात सही है। इसके लिए सब्जेक्ट सिंगुलर, इसके लिए क्या आएगा? इट। पर्सन रहता है तो ही या सी, लेकिन समथिंग है तो क्या? इट। यह सप्लाई करता है फूड एंड एग्रीकल्चर, फूड एंड रॉ मटेरियल, यह सप्लाई करता है। कौन करता है सप्लाई? एग्रीकल्चर। ये सोच पा रहे हैं? दो तरीका मैंने बताया, या तो आप ये जानने प्रयास कीजिए यह सप्लाई करता है, कौन करता है सप्लाई? एग्रीकल्चर। यहां से भी चल रहा है पता कि सी का संबंध किससे है? बी से है। एक और बात चलता है पता कि इट का प्रयोग किसके लिए हुआ? एग्रीकल्चर के लिए। यह करता है सप्लाई, कौन करता है? एग्रीकल्चर करता है। ये स्पष्ट हो गया कि सी के बाद क्या आएगा। अभी तक दो ऐसे सेंटेंस मिले हैं जो केवल टॉपिक का इंट्रोडक्शन ही दे रहा है। एक ने बताया हमें कि एग्रीकल्चर मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्टर्स में से एक है इंडियन इकोनॉमी का, और दूसरे ने बताया एक्स्ट्रा बातें हमें इसके बारे में कि यह सप्लाई करता है फूड और रॉ मटेरियल्स देश में। अब हमारे पास 4 और सेंटेंस बचे हैं, चूंकि 6 दिए गए हैं, 4 में से 2 ऐसा देख रहे हैं हम लोग ए और ई में, जिसमें बताया जा रहा है कि आजादी के समय सिचुएशन कैसा था एग्रीकल्चर को लेकर। डी में कहा जा रहा है कि फिर भी विद द डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज एंड सर्विस सेक्टर, डेवलपमेंट के साथ, इंडस्ट्रीज के डेवलपमेंट और सर्विस सेक्टर के डेवलपमेंट के साथ परसेंटेज जो है पॉपुलेशन का डिपेंडिंग ऑन एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर पर डिपेंड करने वाले आबादी जो है, हैज कम डाउन, वो कम हुआ है, वो कम हो गया है। ये तो हाउएवर इस फिर भी कम हो गया है आबादी एग्रीकल्चर पर डिपेंड करने वाला, यहां तो कॉन्ट्रास्ट है, यहां कॉन्ट्रास्ट है कि फिर भी कम हो गया है। तो पहले ये तो बता देते हैं कि पहले बढ़ा कहां है, यहां कह रहा है कम हुआ है, तो इसके पहले आप क्या कहना चाहेंगे? पहले बढ़ा था, ये कहना चाहेंगे ना, कॉमन सेंस अप्लाई करना है। बट बिकॉज या हाउएवर ऐसे कंजंक्शन है जो कॉन्ट्रास्ट को दिखाते हैं, विरोधाभास। अगर आगे कह रहा है कि घट रहा है तो पीछे क्या हो रहा होगा? बढ़ रहा होगा। ये भी क्लू दे रहा है कि इसके पहले ऐसे ही सेंटेंस आएंगे जिसमें बढ़ने की बात हो रही होगी। क्लियर है? एक और बात, इंट्रोडक्शन हुआ, इंट्रोडक्शन के बाद एग्रीकल्चर के का संबंध के बारे में एक्स्ट्रा बातें बताई जा रही हैं, और एक्स्ट्रा बात क्या? आजादी के समय में क्या हालात थे? अभी भी एक और इंट्रो वाला के ऐड कर दिया इसने, अब इसका संबंध पास्ट से दिखा रहा, अभी ऐसा है, अभी वर्तमान में है, पास्ट में कैसा था ये बताया जा रहा है आपको। तो आप बताइए ई पहला या ए पहला, लेट्स ट्राई, कैसे कंक्लूड करेंगे कौन पहला होगा, इन दोनों में पहला कौन होगा? एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस मोर देन 70% ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन, आजादी के समय में 70% से ज्यादा पॉपुलेशन डिपेंड करती थी एग्रीकल्चर पर टू अर्न अ लाइवलीहुड या रोजी रोटी कमाने के लिए 70% से अधिक आबादी डिपेंड करती थी। इसके बाद बताया जा रहा है अकॉर्डिंगली द शेयर ऑफ एग्रीकल्चर इन द नेशनल इनकम वॉज एज हाई एज 56.6% इन 1950-51। तो पहले आजादी के समय में, उसके बाद 1950-51, आजादी तो 1947 में मिली, तो क्या होगा? ई के बाद क्या होगा? ए। यहां पर बताया गया
कि आजादी के समय 70% से अधिक आबादी डिपेंड करती थी एग्रीकल्चर पर रोजी रोटी कमाने के लिए, और इस अकॉर्डिंगली इसके अनुसार शेयर जो एग्रीकल्चर का नेशनल इनकम में वॉज एज हाई एज 56.6% 56% था योगदान या शेयर किसका, एग्रीकल्चर का। तो यहां पर तो इसके बारे में बढ़ा चढ़ाकर बताएंगे, बढ़ा चढ़ाकर कही गई बातें, इतनी सारी 70% आबादी जो एग्रीकल्चर पर डिपेंड कर रही थी, CBEA इसका कॉन्ट्रास्ट कहां पर है, इसका उल्टा कहां बोला गया, डी विद द डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज एंड सर्विस सेक्टर, सर्विस सेक्टर और इंडस्ट्रीज के डेवलपमेंट या विकास के साथ जो है परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन, आबादी का जो परसेंटेज है डिपेंडिंग ऑन एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर पर डिपेंड करने वाला हैज कम डाउन, वो कम हो गया है। कॉन्ट्रास्ट डी, 5 अरेंज हो चुका है आपका, जो बचेगा वो क्या हो जाएगा। देखिए एक और बात, सर्विस सेक्टर और इंडस्ट्रीज के विकास के साथ परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन, आबादी का परसेंटेज डिपेंड करने वाला एग्रीकल्चर पर कम हो गया है, यानी कि सर्विस सेक्टर और इंडस्ट्रीज में ज्यादा विकास है, तो जिसका ज्यादा विकास है, जिसमें ज्यादा रन कर रहा है जो चीज, इकोनॉमी को फायदा उसी से होगा, कॉमन सेंस की बात है। बिजनेस आपका ज्यादा चल रहा है, आप टैक्स ज्यादा पे करेंगे, सीधी सी बात है। एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रीज और सर्विस सेक्टर का डेवलपमेंट हुआ है तो विकास किसका हो रहा है, कंट्री का या नेशन का, डेवलपमेंट हो रहा है, विकास हो रहा है, वो योगदान दे रहा है किसमें, नेशनल इनकम में। पहले इनकम में योगदान कौन कर रहा था, एग्रीकल्चर, लेकिन अब कौन आ, किसका विकास हो गया, सर्विस सेक्टर का और इंडस्ट्रीज का। तो अब तो नेशनल इनकम में योगदान किसका होगा, अब नेशनल इनकम में योगदान होगा सर्विस सेक्टर का और इंडस्ट्रीज का। इसलिए लास्ट में एक बात कह दिया उसने कि एग्रीकल्चर भी सोर्स है फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग्स का, फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग्स का सोर्स है एग्रीकल्चर भी। ये बातें स्पष्ट हुई या नहीं, कुछ लोगों को डाउट था कि एफ लास्ट में क्यों हुआ, इसलिए हुआ क्योंकि यहां पर आपको डी में कहा गया था कि इंडस्ट्रीज और सर्विस सेक्टर के डेवलपमेंट के साथ एग्रीकल्चर का योगदान घट गया है, आबादी भी घट गई उस पर डिपेंड करने वाली, तो जिस जो बिजनेस ज्यादा चल रहा है उसका ज्यादा योगदान होगा, उसका ज्यादा योगदान होगा टैक्सेशन, टैक्स कलेक्शन में या जीडीपी में या नेशनल इनकम में, सीधी सी बात है। तो लास्ट में यह कह दिया कि एग्रीकल्चर भी सोर्स है अर्निंग्स का, तो और कौन कौन सोर्स है, इंडस्ट्रीज और सर्विस सेक्टर, नहीं तो 4-5 अरेंज था, जो बचेगा लास्ट में जाएगा वो क्या। ये बातें थी, मैं इस सेंटेंस अरेंजमेंट का पार्ट थर्ड वीडियो भी अब आप देखें, पार्ट थर्ड, पार्ट फोर, पार्ट फाइव, 6, 7, 8, 9, 10, बहुत सारे एपिसोड्स आएंगे इसके, वहाँ आप डिफरेंट चीज़ें जानेंगे। लेकिन मैं अभी भी कह रहा हूँ कि मैं अभी आपको धीरे धीरे बढ़ा रहा हूँ लेवल, यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ आएंगे, फिर यहाँ आएंगे, फिर यहाँ आ जाएंगे, लेकिन शुरुआत तो ऐसे सवालों से ही होगी, और प्री लेवल तक में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, बस धैर्य के साथ आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करने की जरूरत है। एक और बात कहूँगा मैं कि अगर किन्हीं को प्रॉब्लम है तो अगेन एंड अगेन मेरी बातों को सुनिए, कोई रूल्स याद नहीं करना पड़ेगा, कुछ रूल्स हैं मैं बता दूंगा आप लोगों को, उस रूल्स को फॉलो करना है, बट 4-5 लाइन्स के हैं, कोई राम कहानी नहीं करना है याद, ये काफ़ी सफिशेंट होगी आप लोगों के लिए। बट हाँ, वन थिंग दैट आई वुड लाइक टू से कि आपका रीडिंग एबिलिटी अच्छा होना चाहिए, आपको साइंटिस्ट का मीनिंग समझ में आना चाहिए कि साइंटिस्ट कहना क्या चाह रहा है। खैर, इसके बाद की बातें जानेंगे पार्ट थर्ड वीडियो में। थैंक यू सो मच।